मौसम की अगर हम बात कर लें तो काफी ठंड पड़ रही है पिछले कुछ दिनों से। किस तरह का अलर्ट है, कोल्ड वेव का और फॉग का, और बर्फबारी की भी संभावना है? देखिए, अभी अगले 3 से 4 दिन तो मौसम ठीक रहेगा, साफ रहेगा। सिर्फ हल्की सी संभावना है बहुत एक्सट्रीम नॉर्थ पे हल्की बर्फबारी की एक दो जगह पे, लेकिन बाकी प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। अभी जहाँ तक ठंड की बात है, कोल्ड वेव और फॉगी कंडीशंस अभी कंटिन्यू करेंगी 3 से 4 दिन। ये ज़रूर है कि एक पश्चिम विक्षोभ अभी 6 तारीख के बाद अप्रोच कर रहा है, तो उसके चलते टेम्परेचर कुछ बढ़ना शुरू होंगे। जो मिनिमम टेम्परेचर हैं करीब 6 के आसपास, खासकर जो हाई और मिड हिल्स हैं, उसके बाद फिर सबसेकेंड डे में फिर फर्दर वो राइज करेंगे, क्योंकि 7 और 8 तारीख को एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है, तो उससे बर्फबारी और की संभावना है जो प्रदेश के ऊपरी हिस्से हैं, जिसमें चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, इन जिलों में बर्फबारी, और जो मध्यम क्षेत्र के इलाके हैं वहाँ पे बारिश, हल्की बारिश की संभावना है, और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे बादल रहेंगे आमतौर पर, और बारिश की, हल्की बारिश की कम संभावना है। अभी जैसे मैंने कहा कि 3 से 4 दिन ये पूरा जो कोल्ड वेव जो फॉगी कंडीशन है कंटिन्यू करेंगे, लेकिन 6 तारीख के बाद परिवर्तन आएगा और फिर से एक बार पश्चिम विक्षोभ की चपेट में प्रदेश रहेगा, उससे जो है बर्फबारी और बारिश की प्रदेश में संभावना है। क्या बड़ा स्पेल बर्फबारी का है या छोटा स्पेल ही रहेगा, किस तरह का है? देखिए, मॉडरेट स्पेल है और 7 तारीख को अप्रोच करेगा और 8 में थोड़ा इंटेंसीफाई करेगा, बढ़ेगा थोड़ा, लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी का ये स्पेल है, इसमें मॉडरेट स्नोफॉल हो सकती है, एक दो जगह पे हो सकता है कि मॉडरेट टू रादर हैवी, इस तरह की संभावना भी है। फिर जो है 8 तारीख के बाद फिर से 9 और 10 में एक पश्चिम विक्षोभ बैक टू बैक फिर से आ रहा है, तो उससे भी प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। टेम्परेचर की अगर बात करें तो क्या सामान्य से कम चल रहे हैं या किस तरह का है टेम्परेचर? तापमान सामान्य से, जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से कम चल रहे हैं, और अधिकतम सामान्य के आसपास से ऐसे थोड़े से ज़्यादा चल रहे हैं। जो लोएस्ट टेम्परेचर है केलोंग में -8 के आसपास है, और शिमला का 2.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। सर, शीतलहर की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ पे ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, तो क्या इसके लिए कोई अलर्ट जारी किया गया है? हाँ बिल्कुल, इसके लिए हमने अलर्ट जारी किया हुआ है, येलो अलर्ट प्रदेश के जो मैदानी इलाके हैं जहाँ पे, जिसमें बिलासपुर है, ऊना है, हमीरपुर है, मंडी, सोलन, इन इलाकों में जो है शीतलहर का प्रकोप अभी अगले 3 से 4 दिन जारी रहेगा, उसके बाद इसमें कुछ कमी आ जाएगी। सर, क्या कोई रिकॉर्ड वगैरह भी ब्रेक हुए हैं, अगर ठंड की मैं बात करूं, खासतौर पर तापमान की अगर मैं बात करूं, तो क्या रिकॉर्ड भी ब्रेक हुए हैं पिछले वर्षों की तुलना में? ऐसा ऐसा कोई अभी तक रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर नहीं रहे हैं जैसे पिछले सालों में प्रवेल की इस तरह के टेम्परेचर, अभी तक कैसा कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है तापमान जो है प्रदेश में नहीं रिकॉर्ड किया इस विंटर में। और बर्फबारी का क्या लग रहा है सर, इस साल काफी लेट है, वैसे दिसंबर में पड़ जाती थी, तो क्या लग रहा है, क्या रीजन भी लग रहे हैं इसके पीछे, इस बार क्यों जो है बर्फबारी का स्पेल काफी लेट है? बर्फबारी के देखिए मेन वजह तो पश्चिम विक्षोभ होते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये पश्चिम विक्षोभ आमतौर पर बर्फबारी और बारिश देते हैं, इस साल काफी कम आए, एक तो ये बात रही। दूसरा ये रहा कि जो पश्चिम विक्षोभ ओवरऑल जो ग्लोबल पैटर्न्स है उसमें भी इतना फेवरेबल नहीं है, क्योंकि जो आपका पोलर वर्टेक्स होता है आमतौर पर वहाँ से ठंडी हवाएं सर्दी में आती हैं, वो भी इस साल काफ़ी स्ट्रांग रहा, तो उसकी वजह से जो भी ठंडी हवाएं पोल की तरफ से आती थी वहीं पे कन्फाइन नहीं, तो वो भी एक ओवरऑल जो ग्लोबल फीचर है जो कि कम पश्चिम विक्षोभ को जो है बनाने में उसने मदद की है, तो ये एक वजह है। प्राइमरली जो है मेट्रोलॉजिकल रीजन में ये है कि बहुत ज़्यादा पश्चिम विक्षोभ बड़े आए नहीं हैं, आए हैं तो काफ़ी ऊपर आए हैं जो कि हल्की फुल्की स्नोफॉल दे के चले गए। सर, वहीं पर बात कीजिए, जिस तरह से दिसंबर माह में ड्राई स्पेल रहा, तो कितने वर्षों बाद ये पूरा ड्राई स्पेल रहा? रिसेंट डिकेड में तो कम देखने को मिला है कि बहुत कंटिन्यूस इस तरह का ड्राई स्पेल रहा हो, जहाँ बिल्कुल भी बारिश और बर्फबारी ना हुई हो, तो एक एक डिकेड आप लेके चलो तो करीब बहुत कम मौके ऐसे मिले हैं जब इतनी इतना लगातार जो है कंटिन्यूस ड्राई स्पेल जो है देखने को मिला। सर, वहीं पर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो मैदानी इलाकों में धुंध छाई हुई है, ये कब तक धुंध छाई रहेगी सरकार? अभी चलेगा ये 3 से 4 दिन इस तरह का कंटिन्यूटी रहेगी, उसके बाद वहाँ भी कुछ जैसे पश्चिम विक्षोभ आता है तो कुछ उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि वो क्लाउड्स में चले जाते हैं, फॉग या दूसरी चीज़ें जो आमतौर पर आती हैं, तो उससे ये संभावना
हैं कि 7 तारीख के बाद वहाँ भी कुछ कमी आ सकती है, लेकिन अभी 3 से 4 दिन ये जो ट्रेंड जो है कंटिन्यू करेगा। विजिबिलिटी भी काफ़ी कम, हाँ विजिबिलिटी कई इलाकों में बहुत, प्रदेश हिमाचल प्रदेश में भी सुबह सुबह कुछ जगहों पे विजिबिलिटी 200 मीटर या 50 मीटर से भी कम है। तो इसी तरह से मैदानी इलाकों में भी आमतौर पर जो जनवरी मंथ है वहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं ये चीज़ें, विजिबिलिटी मॉर्निंग आवर में बहुत कम हो जाती हैं और कई बार पूरा दिन भी जो है फॉगी कंडीशन चलती हैं। तो ये संभावना है कि अगले 3-4 दिन 3 से 4 दिन बाद जैसे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे कुछ रिलीफ मिल सकता है।